brought to you by Khata Book. इसका टेक्नोलॉजी का लाभ तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन QR का हिसाब सिंपल हो सकता है क्या? कैसे? खाता बुक QR से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। राम राज्य की कल्पना थी महात्मा गांधी की। आज राम राज्य है या रावण राज्य है? महिलाओं के और बेटियों की हालात को देखकर, कानून की जर्जर व्यवस्था को देखकर हम तो रावण का राज कहेंगे। तो जर्जर हो चुकी है इनकी कानून व्यवस्था और बेटियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। यहां तक कि जो चौथा स्तंभ मीडिया है, आप सब मीडिया बंधुजन हैं, वो मीडिया को भी वो तो दरकिनार करते हुए उसके ऊपर भी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। आज पूरा पुजारी समाज जिस तरह से दुखी है, आहत है, इसका दंड तो उनको भोगना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून व्यवस्था रही ही नहीं, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा तो बहुत दूर की बात है, उस लेवल पे तो ये आज पूरा प्रदेश हमारा फर्स्ट नंबर पे आ गया। लेकिन यदि संपूर्ण कानून व्यवस्था को देखें तो जर्जर हो चुकी है इनकी कानून व्यवस्था। और ऐसी स्थिति में अशोक गहलोत जी, हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नेतृत्व, उनके मुँह से निकलने वाले शब्द और भी हमें दुखी करते हैं। कई जगहों पर उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा बहाल करने की बात तो दूर करी, बेटियों को न्याय देने की बात तो दूर करी, बल्कि उस पर उल्टी टिप्पणी करी कि ये तो मिलकर लड़कों के साथ गई थी। 12 के केस में आपने भी सुना होगा, हम सुन के बड़ा अफसोस हुआ हमको कि इस उम्र के और इतने अनुभवी और अपने आप को गांधीवादी कहते हैं, तो गांधी जी की नीतियों पर चलना तो दूर की बात है। आज गांधी जी की नीतियों के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं। बेटियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। यहां तक कि जो चौथा स्तंभ मीडिया है, आप सब मीडिया बंधुजन हैं, वो मीडिया को भी वो तो दरकिनार करते हुए उसके ऊपर भी टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। तो इससे लगता है कि राजस्थान की सरकार आज सरकार है ही नहीं, केवल केवल कुर्सी बचाने के लिए, अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए जो भी जोड़ तोड़ इनको करने हैं, चाहे होटलों में ठहरना है या जोड़ तोड़ करना है या खरीद फरोख्त करनी है, तो केवल मात्र उनके पास एक सिद्धांत उसूल है। अवैध बदरी का काफ़ी जबरदस्त हो चल रहा है, दौसा हो जाए सवाई माधोपुर, कल भी 15 घंटे प्रदर्शन हुआ, एक बच्चे की जान चली गई। देखिए, बच्चे की जान जो गई उस पर तो मुझे इतना अफसोस है, और उसका मेन कारण है कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था कहीं भी नहीं है। बजरी की ट्रॉलियाँ सैकड़ों की तादाद में निकल रही हैं, चौथ वसूली कर रहे हैं, हर पुलिस और थानेदार खड़े रहकर ट्रॉलियाँ निकाल रहे हैं। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि राज्य की सरकार, पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जीरो हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में अभी भी मैं आई हूँ और रास्ते में अभी भी ट्रॉलियाँ निकलती हुई मैंने देखी। मुझे समझ नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट में या तो इस तरह का ये बयानबाजी या इस तरह का ये प्रस्ताव लेकर जाएं कि बजरी का निकालना नियमानुसार कोई ना कोई पैटर्न तो बनाए। चोरी हो रही है, नियमानुसार जब पहले निकलती थी उससे दुगनी चोरी हो रही है। बड़े बड़े ठेकेदार इसमें घुसे हुए हैं, उद्गम से लेकर टेल तक एक ही ठेकेदार को ठेका देना, ये भी हमने आँखों से देखा है। इसके पीछे नेता, इसके पीछे ये बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर, ये सब इसमें उलझे हुए हैं। आपने खुद ने देखा है आज तो क्या हो रहा था, और आपने कोई वहाँ पर रुके क्या रहा था? मैंने रुककर पुलिस वालों से कहा भी, पुलिस जस्टाना की थी, और जस्टाना की पुलिस से कहा कि आप आराम से खाटों पर बैठे हुए हो और ट्रॉलियाँ तुम्हारे आगे से निकल कर जा रही हैं, या तो तुम निकलने ही मत दो किसी को, और या 2-4 ट्रॉलियों को पकड़ करके और बेचारे गरीब लोगों पर 1.5-2 लाख का जो मुकदमे में उनको जमा पेनल्टी लगती है, तो ये कहीं तो न्याय इनको मिले। आज मेरे दौसा संसदीय क्षेत्र के कई ट्रैक्टर ट्रॉली वालों ने, जिनको पकड़कर इन्होंने बंद कर दिया और उनको वही 1.5-2 लाख रुपए दे करके कोर्ट से छुड़ाना पड़ रहा है, तो कुछ नियम बनाओ। एक तरफ लूट मचा रखी है, एक तरफ कानून की आड़ लेकर के गरीबों को लूट रहे हैं। देखिए, महात्मा गांधी तो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इनके यहाँ सत्य और हिंसा है, असत्य और हिंसा है। असत्य का बोलबाला है, हिंसा करा रहे हैं। आज हमारे प्रदेश नंबर एक पे बेटियों की, जो बेटियों के प्रति अन्याय हो रहा है, महिलाओं की असुरक्षा हो रही है, इसके प्रति हमारा प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर। शर्म आती है हम लोगों को भी, और मैं एक महिला और माँ होने के नाते अफसोस है मुझे कि यहाँ का मुख्यमंत्री
आराम से बैठा हुआ है और वर्चुअल मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन कभी उन पॉइंट्स पर जाकर उन माता बहनों को नहीं देखा। दूसरा बुकना में देखिए ना, पुजारी भगवान की पूजा करने वाला, उसको वहाँ सरे आम पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, और क्या उसकी कीमत 10 लाख रुपए है। उसके 2 बेटियां कुंवारी हैं, बेटा मानसिक विक्षिप्त है। ऐसी स्थिति में 10 लाख रुपए की घोषणा करवा के उसकी कीमत 10 लाख रुपए। अफसोस है भगवान की पूजा करने वाला वो पुजारी, जिसको जिस तरह से उसकी कराह भी आपने सुनी होगी, उसकी जलने के बाद उसकी कराहट, जिन शब्दों में उसने चिल्ला चिल्ला कर बोला है, सबका दिल दहल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस का दिल नहीं दहला। वहाँ रमेश मीणा के प्रति इनकी भावनाएं वो अच्छी नहीं थी। ऐसी स्थिति में एक अलग उन्होंने राजनीति करवा कर और धरना हटवा दिया, और वहाँ 10 लाख रुपए दे के उनको चुप कर दिया। तो चुप करने से वो मौत का बदला नहीं लिया जा सकता। आज पूरा पुजारी समाज जिस तरह से दुखी है, आहत है, इसका दंड तो उनको भोगना पड़ेगा। पक्का इसमें क्या दो राय है? गांधीगिरी, गांधी नाम ऊपर लगा रखा है इनके बड़े नेताओं के आगे, क्या वो गांधी हैं? गांधीवादी विचारधारा को तो इन्होंने नकार दिया है। गांधीवादी विचारधारा तो सत्य और अहिंसा पर चलने वाली, सबका विकास करने वाली, राम राज्य की कल्पना थी महात्मा गांधी की। आज राम राज्य है या रावण राज्य है? महिलाओं के और बेटियों की हालात को देखकर, कानून की जर्जर व्यवस्था को देखकर, हम तो रावण का राज कहेंगे इसको।